दोस्तों सीएसके की टीम के कोच स्टीवन फ्लेमिंग का आया बड़ा बयान, बताया कौन होगा धोनी के बाद सीएसके की टीम का अगला कप्तान। तो दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, साथ ही बताएंगे धोनी के बाद कौन होगा सीएसके की टीम का अगला कप्तान। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी सीएसके की टीम के बहुत बड़े फैन है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि सीएसके की टीम का आईपीएल 2022 में प्रदर्शन काफी खराब रहा था, चेन्नई की टीम प्लेऑफ पे भी नहीं पहुंच पाई थी। आपको बता दें आईपीएल 2022 में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जहां आईपीएल 2022 से पहले एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़कर रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंप दी थी, जहां जडेजा की कप्तानी काफी खराब रही थी और टीम लगातार मुकाबले हारी थी, जिसके बाद एमएस धोनी ने सीएसके की टीम की कप्तानी वापस संभाल ली है और टीम मैनेजमेंट पहले ही तय कर चुका है कि आईपीएल 2023 में एमएस धोनी सीएसके की टीम के कप्तान होंगे। निश्चित तौर पर सीएसके की टीम शानदार वापसी करके खिताब को जीतने की प्रयास करने वाली है। खबर तो ये भी है कि एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन होने वाला है, जहां एमएस धोनी शानदार प्रदर्शन करके चेन्नई की टीम को खिताब जिताने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल 2023 के बाद चेन्नई की टीम का अगला कप्तान कौन होगा। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान स्टीवन फ्लेमिंग से भी यही सवाल पूछा गया था, जहां स्टीवन फ्लेमिंग ने बड़ा बयान देते हुए कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम लिया जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान बन सकते हैं। स्टीवन फ्लेमिंग ने मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़ और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों का नाम लेकर बताया कि सीएसके की टीम के ये अगले कप्तान बन सकते हैं। जब उनसे पूछा गया आप किसी एक खिलाड़ी का नाम बताइए, तो उन्होंने बताया कि बेन स्टोक्स बन सकते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स के पास इंग्लैंड की कप्तानी करने का अनुभव भी है, तो ऐसे में बेन स्टोक्स सीएसके की टीम के अगले कप्तान बन सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को सीएसके की टीम का अगला कप्तान बनाना चाहिए, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।